उम्मीद हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्टिक फाउंडेशन के बारे में जो है वो बात करने वाली हूँ। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जब भी स्टिक फाउंडेशन का नाम जो है वो हमारे जुबान पर आता है तो सबसे पहले हमारा ध्यान जिस ब्रांड की तरफ जाता है वो है क्रेलॉन टीवी पेंट स्टिक। क्रेलॉन टीवी पेंट स्टिक एक ऐसे स्टिक है जिसे कि ना सिर्फ आप लोग जानते हैं बल्कि मेजोरिटी इस स्टिक को जो है वो यूज भी कर रही होगी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि हमने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा कलर यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा ये कौन सा शेड है जो हमारे स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं इसी हवाले से कि मेरी जो स्किन कॉम्बिनेशन है, मेरा जो स्किन टोन है वो लाइट है, मैं कौन सी स्टिक यूज करूँ, मेरा कॉम्बिनेशन जो है वो फेयर है, मैं कौन सी फाउंडेशन जो है वो यूज करूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसी हवाले से जो है वो कम्प्लीट नॉलेज शेयर करूंगी टीवी पेंट स्टिक के हवाले से कि इसके अंदर टोटल कितने शेड्स हैं और आप किस शेड को अपने किस स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो यूज कर सकते हो। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है, कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करना नहीं भूलना। तो अभी टाइम की बचत करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों को तो पता है कि जब भी कोई ब्रांड जो है वो मार्केट में अपना नाम बना लेती है तो सेम एज इट इज उसकी जो कॉपीज हैं सेम वैसे ही दिखने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में इतनी ज्यादा आनी शुरू हो जाती है, इतनी ज्यादा कि हमारे लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि इनमें से ओरिजिनल कौन सी है और फेक कौन सी है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्रेलॉन के साथ भी है कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमें हर शॉप पर डिफरेंट प्राइस के साथ जो है वो स्टिक मिल रही होती है, कोई 1500 की रेंज में, कोई 2000 की रेंज में, कोई 2500 की रेंज में, कोई 3000 की रेंज में। तो अब ये पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इनमें से ओरिजिनल कौन सी है और फेक कौन सी है। ज्यादातर लोग तो क्या करते हैं कि बस ये देखते हैं कि ये ज्यादा एक्सपेंसिव है तो ये ओरिजिनल होगी, ये कम जो है वो पैसों में मिल रही है तो ये फेक होगी। और कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टिक तो वही है, 3000 में भी मिल रही है, 1500 में भी मिल रही है, तो 1500 वाली ले लेते हैं और फिर जब उसको यूज करते हैं तो वैसा सेम रिजल्ट जो है वो आपको नहीं मिल पाता। तो फिर क्या होता है, मुंह से यही निकलता है कि ये ब्रांड ही नहीं ठीक। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, जब आप मार्केट में जाए स्टिक को परचेज करने के लिए तो आपने जो स्टिक है वो दिखती है कुछ इस तरह की, ठीक है। आपने इसको ओपन करना है, इसको ओपन करने के बाद आपने इसका जो ये टेक्सचर है ये चेक करना है, ठीक है। जब आप इसको यूं फिंगर अप करोगे या ऐसे भी अगर आप इसको देखो तो कुछ स्टिक्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर ऑयल आया होता है, मतलब काफी ज्यादा ऑयली होती हैं, मतलब आप उसको टच करते हो और काफी ज्यादा स्टिक जो है वो आपके हाथ के ऊपर लग जाती है और दिखने में भी इसी तरह लग रहा होता है जैसे कि स्टिक जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली है, ठीक है। और कुछ स्टिक ऐसी होती हैं जिनका जो मटेरियल है वो थोड़ा हार्ड किस्म का होता है, ठीक है, मतलब क्रीमी फॉर्म में होता है, मतलब आप उसको टच करोगे तो आपके हाथ के ऊपर लगेगी लेकिन वो ऑयली नहीं होगा, ठीक है। तो ये निशानी है कि अगर आपको लग रहा है कि स्टिक जो है वो ऑयली है तो वो फेक है, और अगर स्टिक जो है वो ऑयली नहीं है मतलब जो है ये मैट लुक के साथ है, आपको नजर आ रहा होगा मैट लुक के साथ है तो ये जो है ये ओरिजिनल है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, ऑयली टेक्सचर वाली आपने स्टिक जो है वो नहीं लेनी। एक और इसकी निशानी ये है कि जब आप फाउंडेशन को जो है वो परचेज करोगे तो इसके ऊपर एक छोटा सा स्टिकर जो है वो लगा होता है, यू कैन सी दिस, ये आपको स्टिकर नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको एक छोटा सा सिल्वर पेपर भी नजर आ रहा होगा सेंटर में, ठीक है। ये क्या है, ये एक कोड है, सीक्रेट कोड है ये, ठीक है। इसको क्या करना है आपने, इसको आपने जो है वो स्क्रैच करना है, जैसे कि अभी मैं आपको स्क्रैच करके दिखाती हूँ, लाइक दिस। अब आपको ये ब्लैक कलर में एक कोड नजर आ रहा होगा यहाँ पे, इस कोड को क्या करना है, इस कोड को आपने सेंड करना है 8424 पर, ठीक है, वो भी नीचे ही लिखा हुआ है 8424। आपने यहाँ पर इस कोड को सेंड करना है तो वहां से आपको एक जो है वो मैसेज आएगा, वेरिफिकेशन मैसेज आएगा जिस पर लिखा होगा कि ये स्टिक जो है ये ओरिजिनल है या फेक है, ठीक है। तो ये दो टिप्स हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आपके जो स्टिक्स है वो ओरिजिनल है या फेक है। तो इन सबको चेक करके उसके बाद आपने स्टिक जो है वो परचेज करनी है। और अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की तो इसकी जो प्राइस है वो आपको 2800 से 3000 की रेंज में जो है वो मिलेगी, 2800 या 3000 की रेंज में आपको ये स्टिक जो है वो मिलेगी। इससे कम रेंज में जो भी स्टिक्स आपको बाजार से मिलेंगी वो सब की सब फेक हैं, ठीक है। तो नकालों से होशियार रहना है और ओरिजिनल वाले स्टिक खरीदने हैं। जी तो व्यूअर्स अभी हम देख लेते हैं कि क्रेलॉन टीवी पेंट स्टिक में जो है वो लाइक कितनी शेड्स हैं और उन शेड्स के क्या नंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज पीच शेड्स की। रोज पीच शेड्स जो है वो हमारे पास हैं FS नंबर्स के साथ। FS में हमारे पास जो है वो चार नंबर्स हैं, चार मतलब स्टिक्स हैं इसमें जो कि डिफरेंट शेड्स में है डार्क से लाइट की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है FS, ठीक है, उसके बाद है FS36, उसके बाद है FS38 और उसके बाद है FS45। अब ये चारों जो है ये रोज पीच की ही जो है वो शेड्स हैं, लेकिन इनकी सिर्फ जो टोन्स हैं वो थोड़ी थोड़ी जो है वो चेंज है, मतलब जो FS है वो डार्क है, जो FS36 है उससे थोड़ा लाइट है, FS38 उससे थोड़ा लाइट है और FS45
जो है वो सबसे ज्यादा लाइट है, ठीक है। तो ये जो है ये चारों शेड्स जो है वो पीच टोन की तरफ है। अगर आप जो है वो अपने बेस बनाना चाह रहे हैं थोड़ा रोज पीच शेड में, तो आप इनमें से अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी स्टिक जो है वो यूज कर सकते हो अपनी स्किन पर। दर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट शेड है वो है ऑरेंज, ठीक है। अब ऑरेंज की सीरीज में हमारे पास जो क्रेयोन के नंबर्स हैं वो है एफ में, ठीक है। मतलब सबसे पहले इसमें हमारे पास है एफ, उसके बाद है एफ वन, उसके बाद है एफ 16 और उसके बाद है एफ 17। तो अभी ये चार स्टिक्स हैं जो कि ऑरेंज येलो के शेड्स में हैं। अब ये आपने जो है वो सिलेक्ट करना है देखने के बाद कि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कौन से वाले जो है वो खरीदना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को ऑरेंज बेस जो है वो पसंद होती है, येलो ऑरेंज बेस जो है वो पसंद होती है कुछ लोगों को, तो वो इस सीरीज में से कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनमें जो सबसे फेयर वाला कलर है वो है एफ वन, जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ठीक है। ये एफ वन है, सबसे पहले इसका नंबर चेक करें, यू कैन सी दिस, ठीक है। और ये इसका शेड है। दर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पिंक शेड्स। अब हमने देखना है कि कुछ लोगों को पिंक बेस जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो क्रेलोन टीवी पेंट स्टिक में जो है वो अलहदा से सीरीज है जो कि पिंक शेड्स की तरफ है। वो कौन सी सीरीज है, वो है डब्ल्यू की सीरीज, ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल 6 जो है वो स्टिक्स आती हैं और उनके नंबर्स क्या हैं, सबसे पहले हमारे पास आती है W, उसके बाद आती है 1W, 2W, 3W, 4W एंड 5W। तो ये टोटल 6 शेड्स हैं जो कि पिंक की सीरीज में है, मतलब पिंक ही हैं लेकिन पिंक के डिफरेंट जो है वो शेड्स हैं। कोई डार्क पिंक है, कोई लाइट पिंक है, कोई मीडियम पिंक है, इसी तरह से पिंक के जो है वो डिफरेंट जो है वो सीरीज है। पिंक कलर जो है वो स्पेशली ऐसे स्किन पर यूज किया जाता है जो बहुत ज्यादा फेयर होती है, मतलब कुछ लोगों की स्किन जो है वो बहुत ज्यादा फेयर होती है, कलर उनका बहुत ज्यादा फेयर होता है, तो ऐसे स्किन पर जो है वो पिंक बेस बनाई जाती है ताकि आपकी जो स्किन है जाहिर है वो पहले इतने व्हाइट है, उसको मजीद व्हाइट तो कर नहीं सकते, तो उसको थोड़ा सा पिंक टोन की तरफ जो है वो ले जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो येलो बेस जो है वो पसंद नहीं करते, तो वो अपने येलो बेस के अंदर पिंक बेस को जो है वो मिक्स करके एक सेपरेट से शेड जो है वो बना सकते हैं। इसी वीडियो में आप लोगों के साथ एक जो है वो फार्मूला भी शेयर करूंगी कि डार्क स्किन के लिए कौन सा फार्मूला होगा, सॉरी मीडियम स्किन टोन के लिए क्या फार्मूला होगा और लाइट स्किन टोन के लिए क्या फार्मूला होगा, ठीक है। तो ये थी पिंक की सीरीज। देन उसके बाद हमारे पास है नेचुरल की सीरीज, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो कि अपने फेस पर बेस बनाना चाहते हैं लेकिन बेस ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ज्यादा लाइक प्रोमिनेंट ना हो, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे कि आपका नेचुरल स्किन टोन है, तो ऐसे लोगों के लिए एक डिफरेंट सीरीज है क्रेयोन टीवी पेंट स्टिक में जो कि है एन के नाम से, जिसमें हमारे पास 3 शेड्स हैं, एक है एन, एक है एन वन और एक है एन फाइव। तो ये तीनों जो है ये सारे नेचुरल की सीरीज है और इसी में लाइक थोड़ा थोड़ा टोन्स का जो है वो डिफरेंस है, तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो मैच करके ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है पेल वाइट की सीरीज, जिसमें हमारे पास 2 कलर्स हैं, ठीक है। पेल वाइट कलर है ये, तो ये आपकी अगर स्किन जो है वो इस तरह की है कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग वो सही रहेगा, तो आप वो परचेज कर सकते हो, जिसमें हमारे पास 2 जो है वो नंबर्स हैं, एक है जी और एक है जी 16, ठीक है, जी और जी 16, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लास्ट पर एक सीरीज है नेग्रो सीरीज, जिसमें हमारे पास 3 शेड्स हैं, एक है NEG, एक है NEG1 और एक है NEG2, ठीक है। तो ये 3 शेड्स हैं जिन्हें कि स्पेशली उन स्किन्स के लिए बनाया गया है जिनका कलर बहुत ही ज्यादा डार्क होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा डार्क कलर कुछ लोगों का होता है, ठीक है। यहाँ एशियंस में तो इतना जो है वो नहीं पाया जाता है, ऐसे लोग जिनका कलर बहुत ज्यादा डार्क हो, यहाँ ज्यादातर गंदुमी स्किन जो है वो होती है, लेकिन अगर फिर भी कोई है ऐसा है जिसकी स्किन बहुत ज्यादा डार्क है, तो आप उनको ये वाले सीरीज में से कोई भी कलर जो है वो यूज कर सकते हो, NEG, NEG1 या NEG2, या फिर अगर आपकी लाइक आपकी जो स्किन है वो इतनी डार्क नहीं है, तो आप इस स्टिक को जो है वो अपने फेस को कंसील करने के लिए, सॉरी अपनी स्किन को कंट्रोल करने के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इतना डार्क कलर तो होता ही नहीं है एशियंस में कॉमनली लोगों का, ठीक है। तो ये वो तमाम के तमाम नंबर्स हैं जो कि क्रेयोन टीवी पेंट स्टिक में जो है वो हमें पाए जाते हैं। अब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन सा जो नंबर है वो कौन सी शेड का है, तो अब नेक्स्ट आप लोगों को बताऊंगी कि डार्क स्किन टोन के लिए कौन सा यूज करना है, मीडियम के लिए कौन सा, लाइट के लिए कौन सा, ठीक है। तो अभी जो भी आपको मैंने बताया है सारा का सारा एक पेपर के ऊपर नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं बताती हूँ कि किस स्किन टाइप के अकॉर्डिंग क्या यूज करना है। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है जितना मैंने आज आप लोगों को बताया। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा कि क्रेयोन टीवी पेंट स्टिक की जो है वो पहचान क्या है, आप ओरिजिनल और फेक में किस तरह से डिफरेंस जो है वो देख सकते हो, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके प्राइजेस के बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया और आप लोगों को बताया कि क्रेयोन टीवी पेंट स्टिक में जो है वो कितने नंबर्स हैं और कौन सा नंबर जो है वो कौन सी शेड के साथ है, ठीक है। तो होप सो कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी। इस वीडियो को पूरा देखना है स्टार्ट से एंड तक, कहीं भी वीडियो को स्किप जो है वो नहीं करना,
और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपने अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा नंबर यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले अपनी स्किन को कैमोफ्लेज कैसे करना है, स्किन के ऊपर जो है वो बेस किस तरह बनानी है, इसके अलावा कम्पैक्ट पाउडर कौन सा यूज करना है, और इसके अलावा अपने बेस को फिक्स करने के लिए ट्रांसलेशन पाउडर आपने कौन सा यूज करना है, मतलब कंप्लीट क्रेलॉन की जो रेंज है वो आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि आपने किस तरह से किस स्किन टोन पर किस नंबर को जो है वो यूज करना है। होप सो कि अब की वीडियो भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इसके अलावा आप लोगों के साथ क्रेलॉन डीपी पेंट स्टिक एक स्टिक को यूज करते हुए आप कितना कुछ कर सकते हो अपनी स्किन पर, ये सब कुछ भी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में जो है वो शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है ताकि उन तक भी ये नॉलेज है वो पहुंच जाए। और इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।